मंडल का नाम है आज़ाद गणेशो मंडल, उत्तर नागपुर का राजा आज़ाद गणेशो मंडल। हम 50 साल से तकरीबन उत्सव मना रहे हैं हम, और यहाँ पे लेडीज जेंट्स सबकी व्यवस्था सब अच्छे से किया रहता है। गरीब लोगों के लिए डेली महाप्रसाद चालू रहता है आज प्रसाद के हिसाब से, और 18 तारीख को महाप्रसाद है और 19 तारीख को विसर्जन का प्रोग्राम रखे है। इस साल भी नया गणपति के हाथ में जो कमल का फूल है, अगर हर साल नया कुछ ना कुछ करते हैं चांदी के रूप में, इस साल चांदी के रूप में कमल का रूप बनाया, कमल का फूल बनाया। मैं रोशनी दासवानी, और हमारे यहाँ पे 10 दिन इतने फेस्टिवल्स प्रोग्राम आज़ाद गणेश उत्सव मंडल, यहाँ पे हर साल हर इसमें दिन में एक नया फेस्टिवल, हर गेम, बच्चों के डांस प्रोग्राम्स यानी लगा रहता है, और यहाँ पे इतने मतलब रौनक लगी रहे जो गणपति पप्पा सब देखने आते हैं उससे। और यहाँ पे इतनी अभी आजकल इतनी बीमारियाँ फैली गई है, जो हमें गणपति पप्पा से विनती है कि ये जो कोरोना और ये चिकनगुनिया से इतनी फैली बीमारी है उसको गणपति पप्पा दूर करें, और हर भक्त को हर इसको सब संकट से दूर रखें, और सब खुशियाँ यहाँ पे बरसी रहें। बोल गजानन महाराज की जय। मेरा नाम डॉक्टर अलका रोहड़ा है, मैं यहीं पड़ोस की हूँ, यहाँ 50 साल से ये गणपति आज़ाद उत्सव मंडल रखा जाता है। ये उत्तर नागपुर का राजा भी बोला जाता है, और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स वेम्स डिफरेंट टाइप के गेम्स रखे जाते हैं, और हर गेम्स में बच्चों को प्राइज दिया जाता है। जैसे एक दिन उनके लिए गणपति ऑर्गेनिक गणपति बनानी है, म्यूजिकल चेयर्स होती है, बच्चे अपने अपने डिशेस बनाते हैं, बच्चे रंगोली बनाते हैं, उनको हर उनके हिसाब से प्राइजेस भी दिए जाते हैं। और उसके बाद एक एक चीज, जैसे हमारे इसमें संडे को खास करके फेट होता है, और फेट में बहुत सारी डिशेस रखी जाती है, फिर उसकी वजह से सबको इन्विटेशंस भी जाते हैं, और सबका स्वागत भी किया जाता है श्रीफल शॉल टॉवेल से, और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। मैं प्रियंका दासवानी बोल रही हूँ। हमारे मंडप पे 10 दिन गणेश भगवान आते हैं, और हम सब बहुत खुश रहते हैं उनके चेहरे की रौनक देख के, हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, और हमारे मंडल में बहुत यूनिटी है, खास हमारे पंजू भैया जो हमारे लिए इतना करते हैं, और रोशनी भाभी वगैरह, हम सब मिलके काफ़ी उनकी हेल्प करते हैं, सब हम गणेश भगवान के लिए करते हैं। हाँ, मेरा नाम दिविशा दासवानी है, और ये गणपति हमारे ससुरी रखते हैं, और यहाँ पे हाँ ये आज़ाद गणेश उत्सव मंडल के नाम से जाना जाता है। जरीपटका का बहुत फेमस मंडल है, और यहाँ पे हम लोग गणपति जैसे ही आता है तो हम लोगों में यहाँ पे धूम मच जाती है, बहुत धूम। हम लोग इस 10 दिन का इंतज़ार करते हैं पूरा साल कि हम गणपति कब आएगा, हम लोग सब कब मिलेंगे, इस बहाने हम सब एकजुट होके बहुत मजा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही मतलब 10 दिन रहते हैं, 10 दिन हम लोग इन्जॉय करते हैं, जैसे कि फर्स्ट मतलब हम लोग पूरे 10 दिन बिजी रखते हैं सभी को, मतलब ऑल एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखते हैं, जैसे फैंसी ड्रेस और छप्पन भोग रखते हैं गणपति जी के लिए, सत्यनारायण जी की कथा करते हैं, डांस रखते हैं, बच्चों के इन्जॉयमेंट के लिए हर एक एक्टिविटी यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जैसे एक फेट रहता है हमारा फेट, तो फेट में कैसा करते हैं, हम लोग सभी को इनवाइट करते हैं, जैसे यहाँ पे सब लोग फेट का आनंद ले सके सब लोग, और हर एक आइटम्स रखते हैं, जैसे मतलब जो भी कुछ भी रहता है जैसे दही बड़े ये वो जो रहता है, व्हाइट सॉस पास्ता ये सब, जैसे सब लोग, और इवन इसमें फ्राइज भी रखते हैं हम लोग। कोई भी अगर सपोज बच्चा जैसे फैंसी ड्रेस है, डांस है, तो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, जैसे उनको भी अंदर उत्सुकता है, उनके भी अंदर मतलब कॉन्फिडेंस आए स्टेज पे आने के लिए, तो बस यही है। और फेट पे भी बहुत प्राइस रखते हैं हम लोग। आज मैं पूरे जो जरीपटका मेरे पुलिस स्टेशन के हाथ में जितने भी मंडल है, कल भी मैं कुछ मंडल के पास विजिट दे के आया हूँ, आज भी मैं विजिट दे रहा हूँ। या जो हम लोग ने एज अ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी मंडल को जो सूचनाएँ दी गई थी, जो हिदायतें दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दी गई थी, वो उन्होंने फॉलो कर रही या नहीं, ये देखने का जायजा मैं ले रहा हूँ। जिस तरह से ये मंडल को देख रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दिया पूरे फॉलो किए। यहाँ पे CCTV लगाए हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं, गणपति को प्रोटेक्ट करने के लिए रेलिंग वगैरह सब कुछ लगाया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उन्होंने की है, जिससे ये गणेश उत्सव उनका बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग ने जो इनको साइबर फ्रॉड अवेयरनेस के लिए जो बैनर्स बनाने के लिए कहा था, वो भी आज वो बना के लगा रहे हैं, उसकी भी आज पूर्तता वो लोग कर रहे हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये गणेश मंडल जो है, ये पूरी तरह से उन्होंने जो सूचनाएं दी थी उसका पालन किया है, और उसके वजह से इनका जो गणेश उत्सव जो पूरा होगा वो बहुत अच्छे से साजरा हो जाएगा।